ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरी साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं अभी करंट सिचुएशन क्या है। एरीज, कुछ ऐसे लगता है लाइक समथिंग इज़ ऑन होल्ड, आप कुछ होल्ड पे रखा हुआ है। अब कुछ के लिए हो सकता है मे बी इट्स अ न्यू रिलेशनशिप, कोई नया रिलेशनशिप है या ऑफर है या ऐसा कुछ है। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक आप बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसिस पे बहुत यू नो उलझे हुए हैं, तो इमोशंस को थोड़ा यू नो होल्ड पे रखा हुआ है, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके, टॉकिंग अबाउट योर लाइक करंट सिचुएशन या एनर्जी कह लीजिए। ओके, सो आई थिंक एरीज, यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है इट्स नॉट अ टॉक्सिक, इट्स नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप। द डेविल एंड सेवन ऑफ सोड्स, वेरी वेरी स्नीकी, मैन्यूपुलेटिव, या इट्स नॉट अ हेल्दी कनेक्शन। ठीक है, जहाँ पे भी आप हैं या जो भी स्टेट हमें दिखाई दे रही है। टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, आई थिंक लाइक यहाँ पे हमें एम्परर एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, नाउ कोई है जो हो सकता है आप में इंटरेस्टेड है, और या हो सकता है कि ये एक लाइक यू नो थर्ड पार्टी कनेक्शन है। दिस पर्सन इज़ लाइक थोड़ा सा होल्ड बैक भी कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। सिचुएशन ऐसी है कि टॉक्सिक हो सकता है ये रिलेशनशिप। आई डोंट नो वाई, आपकी साइड से मुझे एनर्जी इस बार थोड़ी सी ऑफ बैलेंस दिखाई दे रही है। यू आर कॉट अप इन समथिंग, थ्री ऑफ सोर्स एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि या तो हार्ट ब्रोकन है और मे बी यू आर फीलिंग प्लेड या यू आर इन पेन, और ऐसी एनर्जी हमें एरीज की तरफ से दिखाई दे रही है और रेजिस्टिंग। ठीक है, लाइक आप अपनी तरफ से भाग रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्स वेरी ऑफ बैलेंस एनर्जी आपकी साइड से इस बार। और आपके जो पार्टनर हैं ऑब्वियसली वो चाहते हैं, बट सीक्रेट है यहाँ पे, ऐसा लगता है कोई सीक्रेट रख रहा है या वो चाहते हैं कि ये सीक्रेट रहे या ऐसा कुछ। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? आई थिंक वेरी वेरी फायरी एनर्जी, वेरी वेरी फायरी एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है लाइक समटाइम्स दे आर इन डाउट, वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हैं कभी कभी, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में एक पैशन, कोई शायद ये भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, और एक यू नो लाइक कहते हैं ना एक चार्म या एक अट्रैक्शन है जो ये पर्सन मतलब आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। और शायद ये वो चीज़ है कि आई डोंट नो, आपसे दूर नहीं रह पा रहे, ऐसी एनर्जी है। समबडी इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा? ओके, सो हो सकता है कि अपनी तरफ से ये रीच आउट करते रहें, कोशिश करते रहें। ठीक है, एंड अपने लुक से, अपने चार्म से आपको अपनी ओर खींचने के लिए कोई ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। आउटकम क्या है? आई थिंक वी आर गेटिंग दैट लवर्स एनर्जी। सो ये एक इट्स नॉट अ, मैं आपको कहूँगी कि एक यू नो इट्स लाइक अ बैगेज। ठीक है, इट्स लाइक अ बैगेज यू आर कैरिंग। और ये एक सिंपल कनेक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, वन टू वन कनेक्शन, ऐसा लगता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। और इस चीज़ को कितना वक्त लग जाए सॉर्ट आउट होते होते, कुछ कह नहीं सकते, या कितना टाइम कांट से। तो पैटर्न है, इट्स लाइक अ पैटर्न। ठीक है, वो ऐसे ही चलता जा रहा है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है। क्या और व्हाट एल्स इज़ कमिंग टूवर्ड्स एरीज? एरीज आपकी लाइफ में देखिए हो सकता है कि प्यार, आई थिंक बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, इसका मतलब है जो भी चल रहा है बहुत स्लो चल रहा है, और आगे भी मुझे एक लाइक स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है। शायद हो सकता है इट्स अबाउट वेटिंग, वेटिंग फॉर अ राइट वन, या हो सकता है आप किसी साइकिल में, जैसे आपने देखा है ना कि एक लाइक सर्कल होता है, आप उसमें फंस जाते हैं, तो आप गोल गोल वहीं घूमते रहते हैं, गोल गोल। ठीक है, जहाँ से चलते हैं वहीं पहुँच जाते हैं, जहाँ से चलते हैं इट्स लाइक अ लूप, अब उसमें से बाहर कैसे निकलें? ठीक है, तो अपनी फॉर्म में वाव, तो एंजल्स कह रहे हैं उसमें से बाहर निकलने का ये तरीका है, अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव को पहचानिए। अगर आप हमेशा आप दोष दूसरों को नहीं दे सकते, या आप यू नो
इट्स जस्ट दैट आपको सरेंडर करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको आके ठहरना पड़ता है, ठीक है, इन लव, एंड दैट इज़ द थिंग. मैं ये नहीं कह रही हूँ दैट यू हैव ऑप्शन या ऐसा कुछ, नो, बट द थिंग इज़ कि अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हैं जो कहीं पहुँच नहीं रहा है, जहाँ आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, देन यू हैव टू कम इन टू एनर्जी ग्राउंडेड, नर्चरिंग, केयरिंग, कंपैशन, लव, ठीक है, बट विद योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है ना. सेल्फ लव जिसे हम कहते हैं, एम्प्रेस एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी, तो इसका एक यही तरीका है, इस लूप में से बाहर निकलने का एक यही तरीका है. चलिए अब हम करियर की बात करेंगे. और कुछ के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट ऑल्सो गेटिंग मैरिड, क्योंकि नया कनेक्शन हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ें पास्ट में नहीं चल रही थी, भगवान आपको मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, तो कोई नया कनेक्शन आ सकता है, ठीक है. सो इट्स अबाउट दैट. ओके, अब हम बात करेंगे करियर की. फॉर ऑल द एरीज पीपल, करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट. क्या बोले हैं, विक्ट्री, सक्सेस. आई थिंक आप किसी अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल रहे हैं. इट्स अबाउट यू नो लाइक ब्रेक थ्रू और हेल्प और सपोर्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम द डिवाइन. और आप देख सकते हैं, और बहुत रैंडम आपको यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट, अरे अचानक से ये कैसे हो गया. तो ऐसी यू नो ब्रेक थ्रू, इट्स ऑल अबाउट दैट. कहीं से अचानक से यू आर गेटिंग हेल्प, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, आपको सपोर्ट मिल सकती है, ठीक है, और आप हैरान हो जाएंगे. और मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, आप एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, बट कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए, यू नेवर नो. सो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए, ठीक है, कि दो तरीके होते हैं, या तो आप पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है. तो अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, तो नेगेटिव सोच के भी आपने क्या हासिल कर लेंगे, तो बेटर है कि पॉजिटिव सोचिए. तो ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल. सो गुड एनर्जी, आई थिंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कुछ पॉजिटिव चेंज, और मनी वाइज, ग्रोथ वाइज, या यू कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ठीक है ना, इट्स अबाउट दैट. ओके, तो अब गाइडेंस क्या है एरीज के लिए देख लेते हैं. ओके, एक्सपेक्टेशंस. भाई एक्सपेक्टेशन लोगों से मत रखिए, अपने आप से रखिए. पहले तो डिवाइन आपको ये बोलना चाहते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग. चलिए थोड़ा सा ओके. तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि एक्सपेक्टेशन दूसरों से मत रखिए. डोंट सीक एनीवंस अप्रूवल, ठीक है, कार्ड में ये आ रहा है. स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर लाइफ, योर सेल्फ, ठीक है, सेल्फ लव. तो आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और आपके कहते हैं ना कि हमारे जो भगवान है वो तो हमारे अंदर है, और वही बेस्ट टीचर है. इट्स अबाउट दैट, या जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो लाइक दैट इज़ द बेस्ट टीचर. एंड यहाँ पे यू कैन बी योर ओन नाइट, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं. बट वो जो कहते हैं ना कि वक्त होना चाहिए उस चीज़ का, तो वो वाली एनर्जी है, और डिवाइन टाइमिंग जिसे हम कहते हैं. बाकी आप अपना काम पे फोकस करते जाइए, ठीक है. एंड मोर ओवर वन थिंग ऑल्सो वी आर गेटिंग इज कि हर चीज़ ये नहीं होता कि आज ही हो जाए और अभी हो जाए, ठीक है. अगर आप रिलेशनशिप के या करियर के एनीथिंग जो आपको बॉदर कर रही है, ये नहीं है कि हर चीज़ अभी ही सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है ना. थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है. स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ. छोटी छोटी विक्ट्रीज़ को, छोटी छोटी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करना सीखिए, ठीक है ना. अगर आप कुछ बहुत कहीं जा रहे हैं, कहते हैं ना मंजिल से ज़्यादा रास्ता सुंदर होता है, कई बार ये होता है. तो इन्जॉय दैट मोमेंट्स, जो छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं लाइफ में, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल, एंड ईट गुड. हमारे पास यहाँ फ्रूट्स आ रहे हैं, तो ईट गुड फूड. सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर.